कि आज से मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं, मैं अपना इस्तीफा देके आ गया हूं, मैं आपके बीच में रहूंगा। और कभी चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, ये भी मैं बता रहा हूं। लेकिन इस हरियाणा में अगला कभी भी कोई चुनाव होगा, चाहे एमपी का हो चाहे एमएलए का हो, अगर आपका भाई जिंदा रहा तो हरियाणा के आधी सीटों पे, सारी पे तो टाइम लग जाएगा, उम्र नहीं, इतना भाग दौड़ जवान नहीं रहा यार, ना तैयारी कर लेता मैं, कम से कम 45-50 सीटों पे आपके, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप कहते हो कि ये है मोती, उन मोतियों को मैं अपनी पार्टी की माला में फिरो के, भारतीय जनता पार्टी की माला में फिरो के उन मोतियों को इतना चमकदार बनाऊंगा कि हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी के भाई, और आप पता कर लेना, मैं आप इतिहास उठा के देख लेना कि इस्तीफा देने वाले 2 घंटे पहले को दे दें, चाहे वो अनूप धानक हो चाहे नैना चौटाला हो, ये चार थे ना चार, जब न्यू दीक्षा की तो टूटने वाली है, अगला इलेक्शन होगा तो इस्तीफा दे दिया। मैं मेरे 3.5 साल बाकी थे राज्यसभा के, लेकिन मैंने नैतिकता के आधार पे, मैंने अपनी पार्टी के सिद्धांत को सामने रख के, हालांकि मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि अपने उस सिद्धांत को भी वीरेंद्र सिंह के लिए मेरी पार्टी ने अलग करके प्रेमलता जी को भी लड़ाया और विजेंद्र सिंह को भी लड़ाया। मेरा नैतिक कर्तव्य यह था कि मैंने जो कहा उसको निभाऊं, और मैं इसलिए आज आपके बीच में आया हूं, और राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए, और राजनीति भी जिसमें गरीब, जिसमें कमेरा, जिसमें मेहनत करने वाला भाई, और जिसमें ये नौजवान जिनकी ये तड़प है, ये नौजवानों की तो तड़प थी,